ऐसे तोड़ते हैं इनको, ऐसे लगते हैं बादाम पेड़ों पे, डब्बा बादाम का आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे पूरे 6, मुझे जाना है अभी खेत। तो आज आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे बादाम कैसे तोड़ते हैं, बादाम कैसे लगते हैं पेड़ों के ऊपर। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, खाली दूध का गिलास लिया है, पर अब खेत चल पड़ते हैं क्योंकि बाद में धूप बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। रेडी रेडी रेडी, चिगू चिगू। ये लवली की गाय है, ये लवली का चिगू है। मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए, अभी धूप भी नहीं लगी यहाँ पे कहीं, वहाँ सामने धूप लगी है, इस वाली साइड में धूप लगी है, और सतलुज के इधर अभी धूप नहीं क्रॉस हुई है क्योंकि सामने तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना, हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये भाभी जी है गांव से, मामी जी, और ये भी भाभी हैं, सारे दूध लेके आए हैं। तो यहाँ पे तो सारे गांव के लोग दूध लेके आते हैं और इकट्ठा करते हैं, तो ये भी दूध लेके जा रहे हैं। इस वाले घर से मुझे चोरी चोरी से निकलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर टाइसन होता है, वो अब तो नहीं काटता मतलब, पर मेरे को अभी भी उससे डर लगता है, तो इसके यहाँ से मुझे चुप चुप से निकलना पड़ता है, उसे पता लगा तो सीधा रोड को आ जाएगा। ये वाले बादाम हमने तोड़ने नहीं थे अभी क्योंकि ये हमने रखे थे ड्राई करने के लिए, रखने थे थोड़े से बादाम, एक खेत में हम रखते हैं एक बार ड्राई करने के लिए, पर क्या है कि तोते बहुत आ रहे हैं आजकल और उन्होंने सारे बादाम ख़त्म कर दिए खाने के, खा खा के। तो उस करके कि पिताजी ने बोला, पिताजी मतलब मेरे बड़े पापा, उन्होंने बोला कि तोड़ देते हैं अदरवाइज ये थोड़े से भी नहीं बचेंगे, तो ड्राई नहीं करेंगे इस बार, सारे हरे बादाम ही तोड़ देंगे। सुबह सुबह मुझे हिस्सर मिल गए, तो हिस्सर सुबह सुबह खा सकती हूँ क्या मैं? तो क्या, कौन ही रोकेगा मुझे। तो ये है मेरे 3 हिस्सर सुबह सुबह की डाइट, खट्टे खट्टे मीठे मीठे, मस्त स्वाद है। बादाम के साथ यहाँ पे सेब भी हरे हैं, थोड़े लाल होने के बाद फिर इनको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे सेब भी तैयार हो गए, ऐसे लगते हैं बादाम पेड़ों पे। मैं पहुँच गई फाइनली अपने खेत में, बैग उठा लेती हूँ। मैं भी इस तरह के बैग बनाए होते हैं, फिर इनमें तोड़ वापस किसी कट्टे में या बोरी में डाल देंगे। और ये लगे हैं बादाम पेड़ के ऊपर, इस तरह के बादाम लगते हैं ऐसे गुच्छों गुच्छों में, सेब तो एक एक ही लगते हैं या दो लग गए। तो कागजी बादाम हमने पहले तोड़ दिए थे, इस ये वाली वैरायटी है सेमी कागजी की, तो हम ये वाले तोड़ेंगे आज, उसके बाद बचते हैं ड्रेक, वो नहीं तोड़ेंगे, वो बाद में ही तोड़ेंगे कभी। तो ये मैंने बैग इस तरह से डाल दिया है और अब शुरू करते हैं बादाम का तोड़ान, बादाम तोड़ना शुरू करते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको बादाम तोड़ते कैसे हैं। तो ऐसे बादाम को पकड़ना है और इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, टूट जाएंगे, और इनको इस तरह से तोड़ते हैं, ये सही तरीका है इसको तोड़ने का। इसके साथ इसका ये नहीं आना चाहिए, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये नहीं आना चाहिए, और ऐसे ट्विस्ट करके तोड़ना होता है। अगर आप बादाम तोड़ोगे और आपने इसके साथ इसकी टहनी भी तोड़ दी तो गलत तरीका होगा, ऐसे तोड़ते हैं इनको। इस तरह से खाली किए होते हैं तोतों ने बादाम खा के, टॉप इस तरह से खाली किए होते हैं बादाम खा के। तो इस साइड से हम आ गए हैं तोड़ के, अब रहती है ये वाली साइड, इससे उधर को रहती है अब तोड़ने का। जैसे आप देख सकते हैं इस वाले पेड़ में भी रहा है तोड़ने के लिए। तो अभी बादाम तोड़ते तोड़ते मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, अब पहले बादाम खाते हैं उसके बाद और तोड़ेंगे। ये बादाम है ना, बस इसको ऐसे इसको ऐसे दांत के नीचे तोड़ना है, और ये ट्विन है, इस साइड भी बादाम आया, इस साइड भी बादाम आया। ये आपके दांत मजबूत होने चाहिए, अगर दांत मजबूत नहीं है तो पत्थर से भी तोड़ सकते हैं। और मुझे तो हरे बादाम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सूखे बादाम से तो हरे बादाम ज़्यादा अच्छे टेस्टी होते हैं। तो अब ब्रेक टाइम ख़त्म, अब फिर से बादाम तोड़ना शुरू करते हैं। 7:30 हुए अभी, 7:30 के लिए अभी।
वाला पेड़ भी हो गया है कंप्लीट। अब हमारे रहते हैं 10-15 पेड़ और। नीचे रॉक्सी को बांधा हुआ है, वो बहुत शोर कर रही है। रॉक्सी फिर चुप हो जाती है। मेरी आंटी की कुत्ती है, मेरी आंटी का घर है यहाँ पे। तो आंटी ने हमें आगे से ब्रेकफास्ट दिया है, चाय और पकेन साथ में। हम खेत में काम कर रहे थे, इधर बड़े मम्मी बैठे हैं। ये मेरे पिताजी हैं और बड़े पापा। मैं बड़े पापा को ही पिताजी बोलती हूँ। तो मेरे जो आंटी यहाँ पे रहते हैं ना, वो इतने स्वीट है। जब भी हम यहाँ पे खेत में काम करने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं, चाहे घास के लिए भी आते हैं, हमेशा चाय या कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आई जाती है, सीधा खेत में ही आते हैं। आज वो खुद थोड़े बिजी थे, कुछ काम कर रहे हैं, तो अर्जुन भैया लेके आए हैं। तो जो मेरे कजन है अर्जुन भैया, वो लेके आए थे। तो अब मुझे चढ़ना है इस वाले पेड़ में। तब से मैं पेड़ों ही पेड़ों पर लटक रही हूँ बंदर की तरह। अब फिर ये लास्ट पेड़ है बड़ा जैसा, जिसमें चढ़ना पड़ेगा। शायद इसके बाद 2-4 पेड़ रहते हैं, उसमें शायद चढ़ने की जरूरत ना पड़े। आज तो योगा हो रहा है, पेड़ योगा बोलते हैं इसको, जो मैं कर रही हूँ आज। 10 बजने वाले हैं, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं हम। फाइनली हम निपट गए यहाँ से बादाम तोड़ के। कुछ एक ड्रेक के पेड़ रहते हैं, वो इवनिंग में या कल सुबह तोड़ देंगे। अब घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। डब्बों में भी भरते हैं बादाम को, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी डब्बों में कैसे बादाम की पैकिंग होती है और कैसे ये आप तक पहुँचते हैं। जो ये बादाम के पेड़ होते हैं, ये बहुत ही रूखे सूखे होते हैं, और बादाम के पेड़ थोड़े खराब होते हैं। तोड़ते टाइम भी बहुत हाथों में खरोंचे वगैरह जाती है। और तो इतना भरा हमारा गिल्टा, मैं उठाऊंगी इसको पानी। तो अब चल पड़े हम घर की तरफ। बड़े मम्मी पीछे घास लेके आ रहे हैं। मेरे पास है बादाम जो कि बहुत भारी है, 20 केजी से भी ज्यादा है शायद। येलो घर दिख रहा है, इससे भी ऊपर जाना है। किसान होना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं फसलें तैयार होती हैं। बड़ी मम्मी को तो नाक से खून भी निकलने लग गया, गर्मी की वजह से भी। अब सुबह से आए हैं खेत, तब भी ये देखो कितने स्ट्रांग होते हैं, खून निकल रहे हैं इनके हाथ भी। देखो लाल गया, दिखाओ तो हाथ। ये देखो खून लगा इनके हाथ। तो ये पहुंची मैं घर, यहीं पे भरेंगे इनको। अबे बन रहा हमारा नया घर, बन रहा है लवली का घर। तो हम लोग घर पे भी पड़ोसी है, यहाँ पे भी पड़ोसी है। पलम ब्लैक एम्बर है ना ये, इनकी शक्लों से ही पता लग जाता है। देखो ये वाले है ब्लैक एम्बर, प्लम की वैरायटी होती है। दे यार एक लव दे, शुक्रिया। ये फ्रेश फ्रॉम फार्म। ये है हमारे सारे बादाम जो आ गए हैं, और अब हम इनको डब्बे में भरेंगे, पर अभी नहीं भरेंगे, बाद में भरेंगे, अभी पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो अभी हम लगे लंच करने, और लंच हमारा घर से ही आया है। तो यहाँ पे हम लंच वगैरह नहीं बनाते, लंच वगैरह सब घर से आता है। बड़ी मम्मी यहाँ है, पिताजी यहाँ है। तो अब हम करने वाले हैं ग्रेडिंग इनकी। कुछ एक डब्बे में भरेंगे, कुछ एक पेटी में भरेंगे। तो पहले बादाम देखो, ये तोतों ने खाए हुए हैं, तो ये तो भेजेंगे नहीं हम। देखो ये इस तरह से तोते खराब कर देते हैं बादाम को, तो ये तो हम भेजेंगे नहीं। बादाम ये आप लोगों के लिए, एक डब्बा बादाम का आप लोगों के लिए। तो इस तरह से हम बादाम की पैकिंग करते हैं। जो अच्छे अच्छे बादाम होते हैं उन्हें अलग करके, फिर छांट के उन्हें डब्बों में भर के आगे भेजते हैं, लेकिन जो खराब होते हैं वो हम अपने लिए ही रख लेते हैं। दो। तो ये मैं यहाँ पे बादाम की पेटी बना रही हूँ। जो पेटी होती है वो बादाम की 4 केजी की होती है, और ये अलग से गत्ते वाली होती है, और इसको बनाने के लिए इसे फोल्ड करना पड़ता है। इजी होता है बनाना तो, लेकिन फिर कुछ एक बादाम हमने फिर इसमें भी भेजे थे,
तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी पेटी बनके तैयार हो गई है और इसके बाद इसमें बादाम भरेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करके इसे पैक कर देंगे। तो फाइनली हमारे बादाम पैक हो चुके थे और हमने इन्हें पैक करके ऐसे लाइन में लगाया था और अभी हमारे बादाम जाने वाले हैं दिल्ली, क्योंकि हमने इन्हें दिल्ली भेजा था। तो ये इस तरह से पैकिंग होती है बादाम। तो अभी ये वाले डब्बे हमने भर के लगा दिए हैं जितने ये वाले भरने थे, और थोड़े से डब्बे हमने वो भी भरे हैं। अभी ये वाले डब्बे पेटी में पैक होंगे, अभी इनको पेटी में डालेंगे। तो ये बादाम की फाइनल पैकिंग हो गई है। जो हमने छोटे डब्बे भरे थे वो हमने एक बड़ी पेटी में, सेब की पेटी में भेजे थे, और बाकी जो दूसरे 4 kg वाले थे वो इस तरह से रखे थे। तो बादाम की पैकिंग करते करते मैं थक गई थी, मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और रेस्ट करते करते मुझे नींद ही आ गई और मैं सो गई। उसके बाद सारे बादाम पिताजी और बड़ी मम्मी ने भरे। बड़े मम्मी भी सोए थे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद सारे बादाम पिताजी ने भरे और थोड़े से रहते थे। उसके बाद आई थिंक 2-3 डब्बे और रहते थे, वो उन्होंने भर दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा अभी उठाया, अभी 5:00 हो गया। फिर चाय बनाई थी बड़ी मम्मी ने, उन्होंने बोला कि उठ जा चाय पी ले, तो फिर मैं अभी उठी हूँ और अभी भी थोड़ा थोड़ा नींद में ही हूँ।